चीज प्रीवियस, कोविड भी प्रीवियस। भाई मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो छोड़ो प्रीवियस वीवियस नहीं, अपनी यू नो स्टैंड ऑन योर ओन फीट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। यू बीन यू नो सेलेक्टेड टू लीड दिस कंट्री, तो अपने सेलेक्टर्स का तो मान रख लो। हाँ जी, पहला साल हमारी हिस्ट्री में, और ये मैं पिछले साल बताया था कि हमारी जो दो सॉरी एफबीआर की कलेक्शंस थी वो पिछले सालों से कम हुई, यानी 2017-18 से 2018-19 में एफबीआर की कलेक्शंस कम हुई। ये पहला रिकॉर्ड, कोई कोविड नहीं था, फाइनेंशियल वो पिछले लोगों की हर चीज उन पर डाल दो, नहीं आपकी ना आई थी 2018-19 तकरीबन 11 महीने 10.5 महीने आई की ना आई ली, 2019-20 12 महीने पीटीआई की ना आई ली और 3 महीने कोविड, ये सारे चीजें आ रही हैं। में बताया गया कि आपकी ग्रोथ जो है 2018-19 की प्रोजेक्टेड तो 6.2% थी, आज से एक साल पहले एनईसी में बताया गया कि ग्रोथ 3.9% है और फाइनल नंबर रहे तो ग्रोथ 1.9% है। अब समझ आते हैं कि 1.9% ग्रोथ है तो कैसे ये पूरे करेंगे अपने टारगेट्स, हमें भी लगा दिया उस पर। अगले साल के लिए कह रहे हैं कि जी 4% ग्रोथ, सॉरी इस साल के लिए इन्होंने 4% ग्रोथ रखी 19-20, अब हमें कह रहे हैं इट इज गोइंग टू बी -0.4%। मैं आपको अभी लिख के दे दूं, ये नंबर्स भी गलत है, IMF वर्ल्ड बैंक अपने अपने निकाले हैं, वो कह रहे हैं -2.6% आपकी होगी इकॉनमी नीचे जाएगी -2.6% से। इसी सिलसिले में आपको ये बता दूं, कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बड़ी डॉन की खबर लेके आगे बता दी, पूरी दुनिया नीचे जा रही है, लेकिन आपने क्या किया है?